की विधियां पढ़ेंगे। इसमें पहली विधि है एलोएनिन से। क्लोरोबेंजीन एक एलोएनिन है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ 623 केल्विन ताप और 320 वायुमंडलीय दाब पर करने पर सोडियम फेनोक्साइड बनता है और जो अम्ल से क्रिया करके फिनोल देता है। अभिक्रिया ये है, क्लोरोबेंजीन NaOH से क्रिया हो रही है उच्च ताप और दाब पर और सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है जो HCl से क्रिया करके फिनोल दे रहा है और NaCl भी बन रहा है। इसी प्रकार दूसरी विधि है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करते हैं तो फिनोल बनता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड डायजोटाइजेशन अभिक्रिया के द्वारा बनता है और इसमें एनिलीन की क्रिया NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर की जाती है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है C6H5N2Cl और इसको जल के साथ गर्म करने पर फिनोल N2 और HCl बनता है। तीसरी विधि है क्यूमीन से। क्यूमीन एक ऐसा यौगिक है जिसमें बेंजीन नाभिक से आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा रहता है। क्यूमीन वायु के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड बनाता है जिसकी तनु अम्ल से क्रिया करने पर फिनोल बनता है। अभिक्रिया ये यहाँ पर दर्शाई गई, क्यूमीन है बेंजीन नाभिक से आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा है, ऑक्सीजन से क्रिया के लिए क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड बनता है या दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए हैं और इसका अम्ल से क्रिया कराने पर फिनोल और एसीटोन बनता है। इस विधि में एसीटोन एक उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए यह फिनोल बनाने की व्यापारिक विधि के रूप में भी जाना जाता है।